कल हमने अवयव की कोटि के बारे में पढ़ा था, आज हम अवयव की कोटि से संबंधित कुछ थ्योरम्स को सिद्ध करेंगे। थ्योरम एक, किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित F समूह की कोटि से कम या बराबर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। अर्थात ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G फॉर ईच A बिलोंग्स टू G। प्रूफ, माना कि जी एक परिमित समूह है जिसकी कोटि एन है तथा ए जी का कोई भी अवयव है, तब ए जीरो ए वन ए एन सभी जी के अवयव होंगे। ठीक है ना, क्यों होंगे? क्योंकि ए जी को बिलोंग कर रहा है और जी आपकी क्या है, समूह है। तो समूह है, इसका मतलब जो इसकी संक्रिया होगी जी में वो द्विआधारी होगी, और द्विआधारी संक्रिया से आपके पास ये ए जीरो ए वन ए एन ये सभी किसके होंगे, जी के अवयव होंगे। अब इनकी संख्या कितनी है अपने पास, एन प्लस वन है, ये संख्या में एन प्लस वन है। और अपने जो एन जी की कोटि है वो कितनी है, एन है। तो एन कोटि है, इसका मतलब कि जी में डिफरेंट अवयवों की संख्या कितनी होगी, एन होगी। और ये अपने पास एन प्लस वन है, इसका मतलब कि ये सारे जो अवयव हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे, इनमें से कोई भी दो अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, वो मान लिया अपन ने ए आई बराबर ए जे है। अवयवों की संख्या कितनी है अपने पास, एन प्लस वन है तथा जी का ऑर्डर एन के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि इसमें से कोई दो अवयव बराबर है। इसका मतलब कि अपन ने किसी एक अवयव को दो बार लिख दिया है। तो वो मान लीजिए, माना कि ए आई बराबर ए जे है, जहाँ जीरो लेस देन जे लेस देन आई एन है। कि इनमें से जैसे अपन मान लो ए आई बराबर टू मान लिया, और तो जे बराबर वन, तो ए वन ए टू, ए वन ए की पावर वन और ए की पावर टू कैसे है, बराबर एलिमेंट है। इसलिए अपन ने ये मान लिया कि ए आई बराबर ए जे है। अब अपना ये ए जे एलिमेंट किसका है, जी का अवयव है। तो और इसके प्रत्येक अवयव का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। इसलिए ए का भी प्रतिलोम क्या होगा, जी में एग्जिस्ट करेगा। वो मान लीजिए ए की पावर माइनस जे है, तो ए की पावर माइनस जे से अपन दोनों ओर गुणा कर देंगे। तो ए की पावर ए माइनस ए की पावर माइनस जे बराबर ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे, क्योंकि ए की पावर जे बिलोंग्स टू जी, और जी आपका क्या है, जी इज ए ग्रुप, एक समूह है। तो ये क्या इम्प्लाई ये करेगा कि जो इसका इनवर्स है वो भी जी में होगा, इसलिए इसके इनवर्स को अपन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए आई माइनस जे ये बराबर किसके हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अवयव को उसको इनवर्स से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, तत्समक अवयव आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए का ऑर्डर है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आई माइनस जे हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ से आएगा अपने पास, ऑर्डर की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ दी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के। क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि ए की पावर एन बराबर ई होता है तो इस ए का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, या तो एन होता है या एन से छोटा होता है। तो
तो इसमें अब आई माइनस जे का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, यहाँ से एन हो सकता है, एन कब हो सकता है जबकि आई को अपन एन दे और जे को 0 दे, या क्या होगा एन से छोटा होगा, तो इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपके इसके बीच में है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एन क्या है जी का ऑर्डर है, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि प्रत्येक अवयव की जो कोटि है वो ग्रुप की कोटि की कैसी होती है, छोटी होती है या बराबर होती है, जबकि समूह कैसा हो आपका परिमित हो, यही सिद्ध करना था। ये अपने एक फर्स्ट थ्योरम को ने सिद्ध कर ली, अब सेकंड थ्योरम सिद्ध करेंगे अपन। थ्योरम सेकंड क्या है, यदि किसी समूह जी के एक अवयव की कोटि एन है तो ए की पावर एम बराबर ही यदि जी एम एन का गुणज है। इसका मतलब क्या है कि पहले अपन को दोनों तरीके से सिद्ध करना है, यदि ये मान लेते हैं तो अपन को ये सिद्ध करना होता है, और यदि इसको मान लेते हैं तो अपन को ये सिद्ध करना होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो माना कि ए जी का कोई अवयव है, कोई अवयव है जिसका ऑर्डर, जिसकी कोटि एन है। पहले अपन ने मान लिया, माना कि ए की पावर एम बराबर ई है, तो हमको सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि एम एन का गुणज है, ठीक है ना, ये अपन को सिद्ध करना है। अब एम और एन क्या है, आपके पास पूर्णांक है, तो अपन जानते हैं कि जब भी कोई अपने पास दो पूर्णांक होते हैं तो हम दो और पूर्णांक निकाल सकते हैं जो कि निम्न प्रकार से होते हैं, चूंकि एम और एन पूर्णांक है तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक एम बराबर एन पी प्लस क्यू, जहाँ पर क्यू क्या होगा आपके पास, या तो लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो और लेस देन एन होगा। ये कहाँ से आया अपने पास, विभाजन की विधि से आया अपने पास, पूर्णांकों के विभाजन की विधि से ये आता है अपने पास, ठीक है ना। कि जब भी आपके पास दो पूर्णांक होते हैं तो अपन दो पूर्णांक और निकाल सकते हैं, जैसे अपने पास क्या है, दो पूर्णांक है 13 और 2 है, तो अपन दो पूर्णांक क्या निकाल सकते हैं कि मतलब 13 को आप 2 से भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ 1 बच गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 13 को 2 6 प्लस 1, ये क्या होता है रिमाइंडर होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 0 होती है या जो भागफल है उससे क्या होगी कम के होगी। तो वही चीज अपन ने यहाँ पर है कि अपने पास दो पूर्णांक होंगे, वो पूर्णांक अपन ने मान लिया पी और क्यू है कि सच दैट एम बराबर एन पी प्लस क्यू। अब अपने पास क्या है, ए की पावर एम बराबर ई ये दे रखा है, दिस इंप्लाइज ए की पावर एम की जगह अपन ने लिख लिया एन पी प्लस क्यू, दिस इंप्लाइज ए की पावर एन पी इंटू ए की पावर क्यू, दिस इंप्लाइज ए की पावर एन होल की पावर पी, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मान कितना हो गया, ए की पावर एन का मान कितना हो जाएगा, ए की पावर एन का मान ई के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है कि जो ए की कोटि है वो कितनी है, एन है, तो कोटि की परिभाषा से ए की पावर एन किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, तो ई की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है तथा कोटि की परिभाषा से, कोटि की
परिभाषा से अपने पास ये इसके बराबर हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि तत्समक की कितनी भी पावर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तत्समक ही आएगा। इसलिए ई ए की पावर क्यू, और तत्समक को किसी भी गुण किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आता है, वही संख्या आता है। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए क्यू, अब क्यू अपना क्या है, एन से छोटा है ना, और ये सब अपने बराबर किसके चल रहा है, ई के चल रहा है, बराबर ई बराबर ई चल रहा है, ठीक है ना। अब अपने पास क्या आ गया, ए की पावर क्यू बराबर ई आ गया, और क्यू क्या है अपने पास, एन से छोटा है, और एन अपना क्या है, ए का ऑर्डर है, और ऑर्डर की क्या परिभाषा होती है कि वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है, जिसके लिए ए की पावर एन बराबर अपन क्या कर सकते हैं, ई के बराबर कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या है, ए क्यू एन से छोटा है, तो ये कब संभव होगा, जबकि क्यू बराबर जीरो हो। नहीं तो क्या होगा कि यदि क्यू बराबर जीरो नहीं है तो इसका मतलब ए की पावर क्यू की मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एन से छोटा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है उसकी पावर भी ई के बराबर आ रही है, तो ए का ऑर्डर अपना एन नहीं होगा। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि क्यू बराबर जीरो, ये कहाँ से आया अपने पास, क्यू इज लेस देन एन है और ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है। इन दोनों से आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू बराबर जीरो आ जाएगा। अपन क्यू बराबर जीरो इसमें रखते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे इसको अपन नंबर वन दे दें तो वन से अपने पास क्या आ जाएगा, एम बराबर एन पी आ जाएगा, जो क्या बता रहा है कि जो एम है वो एन का क्या है, गुणा है। दिस इंप्लाइज एम एन का गुणज है। अब इसका अपन उल्टा मान लेंगे, अब अपन ने माना कि m n का गुणज है, तो हमको सिद्ध करना है कि a की पावर m बराबर किसके है, e है। अब m चूंकि m एन का गुणज है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, मान लीजिए एम बराबर एन पी है, ठीक है ना, पी बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर एम बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ए की पावर एन पी लिख सकते हैं, इसको अपन यू लिख सकते हैं एन की पावर पी लिख सकते हैं, और ये हो गया ई की पावर पी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर अपना कितना है, एन है, उससे ये आ जाएगा ए बराबर ई हो जाएगा, जो कि हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से अपन ने सिद्ध कर दिया कि किसी समूह जी के अवयव की कोटि एन है तो ए की पावर एम बराबर ई होगा यदि दी एम एन का गुणज है, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, सिद्ध करना। अब अपन कॉरिलेटिव फर्स्ट सिद्ध करेंगे कि समूह के किसी अवयव के किसी पूर्णांक घात की कोटि ए की कोटि से अधिक नहीं होती है। तो मान लीजिए कि मतलब ए की कोई पूर्णांक घात क्या हो गई, पी हो गई, तो अपन को सिद्ध करना है कि ए की पावर पी की जो कोटि है वो ए से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। जब पी क्या है अपने पास, P belongs to Z plus Z, P belongs to Z, ठीक है ना, किसी भी पूर्णांक की घाती। मान लीजिए कि P कोई पूर्णांक है, इसको यूं लिख सकते हैं अपन, या तो माना कि P कोई भी पूर्णांक है तो सिद्ध करना है कि ए की पावर पी की कोटि
नहीं होती है। ठीक है, तो अब अपन ने ए की पावर पी होल की पावर एन किया, ठीक है ना। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ए की पावर पी एन, दिस इंप्लाइज ए की पावर एन बराबर पी। इसको मतलब अपन यो लिख सकते हैं, और ये अपना क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, क्योंकि इससे ये आ जाएगा, ये बराबर ई आ जाएगा, मतलब ए ये अपना अवयव है। जैसे ए अवयव होता है ना, ए की जगह अपना अवयव क्या हो गया, ए की पावर पी हो गया। तो इस अवयव की अपन घात एन कर रहे हैं तो ई के बराबर आ रहा है। तो ऑर्डर की परिभाषा से क्या होगा, इस अवयव की जो कोटि है वो तो या तो एन होगी या एन से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज लेस देन इक्वल टू एन। ये कहां से आ जाएगा, ऑर्डर की परिभाषा से, कोटि की परिभाषा से, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी दिस इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, जो ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब अपन सेकेंड कोरोलरी सिद्ध करेंगे, सेकेंड कि समूह के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। तो माना कि ए समूह जी का कोई अवयव है, ठीक है ना। तो ए बिलोंग्स टू जी, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो ए इनवर्स है वो भी क्या होगा, जी का अवयव होगा, क्योंकि जी आपका समूह है। तो समूह की परिभाषा से क्या होगा, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी जी में होगा। ये कहां से आ गया आपके पास, समूह की परिभाषा से, समूह की परिभाषा से। तो अपन को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना। अब इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि जो ए है, ए क्या है, मतलब जो ए इनवर्स है वो क्या है, ए की इंटीग्रल पावर है, ठीक है ना। ए इनवर्स क्या है आपके पास, ए की पूर्णांक घात है, ठीक है ना। इसमें अपन पहले मान ले, माना कि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है, एन है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एम है। तब अपन को क्या सिद्ध करना है, एन बराबर एन है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स क्या है, ए की पूर्णांक घात है। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, जो अभी अपन ने थ्योरम करी थी उससे, कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए का हो जाएगा बाय कॉरलरी फर्स्ट से, है ना। तो इसका मतलब कि जो एम है वो लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा। अब अपन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए को अपन, चूंकि ए बराबर क्या होता है, ए इनवर्स यू इनवर्स होता है, है ना। ये पहले किसी भी अवयव का अपन दो बार प्रतिलोम करते हैं तो वही अवयव आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए को अपन क्या कर सकते हैं, इसके इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स के पूर्णांक घात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसी वाली कोरोलरी से, कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एन इज लेस देन इक्वल टू एम। तो एक और दो से क्या आ जाएगा, एम बराबर अपने एन आ जाएगा, जो कि अपन को सिद्ध करना था।